नमस्कार, वेलकम, अभिनंदन। एस्ट्रो योगी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जाने व्यापार में आज किसे होगा लाभ और किसे नुकसान, आज कैसे रखें अपने हेल्थ का ध्यान, नौकरी और करियर में आज कैसा रहेगा दिन, क्या आज आपको मिल जाएगा आपके सपनों का पार्टनर, इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिए। अब जानते हैं 5 जून 2024 आज का पंचांग। विक्रम संवत 2080 हिंदू पंचांग के अनुसार मास श्रेष्ठ है, पक्ष कृष्ण पक्ष है और ऋतु कृष्ण ऋतु है। आज चतुर्दशी तिथि शाम 7:54 तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज कृतिका नक्षत्र, रात 9:16 तक रहेगा, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग सुकर्मा योग दोपहर 12:36 तक रहेगा, इसके बाद तृतीय योग लग जाएगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे, इस समय सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय 5:23 पर होगा, आज चंद्रोदय 4:45 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं रहेगा। आज राहुकाल दोपहर 12:20 से शुरू होकर दोपहर 2:04 तक रहेगा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के राशि फल से। 5 जून का राशि फल, पहली राशि मेष राशि। वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको आगे बढ़ने और काम पूरा करने में मदद करेगा। अपने कामों को संतुलन बनाकर करें, आपका बौद्धिक विकास भी हो सकता है। ध्यान लगाकर काम करने की जरूरत है। अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करें, आप अपने व्यक्तित्व और व्यवहार से अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को जीत लेंगे और लोग इसे समझेंगे भी। एक साथ बहुत सारा काम करने की कोशिश ना करें। लव लाइफ में पार्टनर से आज मुलाकात हो सकती है, आपका सपनों का पार्टनर आपको आज मिल सकता है। खुशी पाने के लिए अपनी जज्बातों का खुलकर इजहार करें। करियर के मामले में अगर आप अपने किसी काम के परिणाम को लेकर चिंतित हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब कुछ ठीक होगा और आपके एहसास भी करेंगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। आर्थिक स्थिति के मामले में अगर आप किसी उद्योग बिजनेस से जुड़े हैं जहां कल्पनाओं व उम्मीदों पर काम होता है तो आज का दिन लाभ वाला है। अपने व्यापार की तरक्की या कंपनी को आगे बढ़ाने की ताकत में रहिए, अचानक ही कोई बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसे मौके का लाभ उठाइए। हेल्थ के मामले में आप आज महसूस करेंगे कि आप बहुत समय से बैठे रहने का काम कर रहे हैं और उसका हर्जाना आपके शरीर को देना पड़ रहा है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा पर आपको कुछ दर्द हो सकते हैं। आज से जिम जाना शुरू करें और अपने डाइट पर ध्यान दें। एस्ट्रो योगी ज्योतिष के अनुसार दिन के लिए पर्पल आपका लकी कलर रहेगा, दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी रहेगा। शुक्रिया। अब जानते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। प्रिय वृषभ राशि के जातक, वृषभ राशि में चंद्रमा की मौजूदगी के कारण सकारात्मक ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे। भले ही आज आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, आप निराश नहीं होंगे क्योंकि आपके अंदर सकारात्मकता मौजूद होगी। आपका बहादुरी भरा व्यवहार आज आपको मुश्किल काम करने में भी मदद करेगा। आज आप नई जिम्मेदारियां उठा सकते हैं जिनसे आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा महसूस होगी। आज किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आपका सुनहरा मौका साबित हो सकता है। आज आपके किसी खास व्यक्ति के साथ मिलने के संकेत हैं। बाहर निकलकर सामाजिक मेलजोल करें, अपने जज्बातों को ऊंचा बनाए रखें, आपका पार्टनर आसपास हो सकता है। करियर के मामले में आज आप रास्ते में आने वाली चुनौतियों का मजा लेंगे। आपको लगेगा कि सफलता प्राप्त करने की आग आपके अंदर है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो आप आज करेंगे। अपने भीतर की इस आग को जारी रखें और फिर देखें कि ये आपको कहां से कहां ले जाती है। अपनी उपलब्धियों को देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप इन दिनों पैसे कमाने के कुछ नए रास्ते तलाश रहे हैं और कोई नई बढ़िया नौकरी भी, तो आज आपको कोई बड़ी खबर मिलने वाली है। आप बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, जज्बे को बनाए रखने के लिए इस समय का फायदा अवश्य उठाएं। अपनी इच्छा पूरी करने में इस मौके का इस्तेमाल करें। हेल्थ के मामले में ज्यादा तनाव के कारण ज्यादा कैलोरीज आप इंटेक कर सकते हैं। इस परेशानी से दूर रहने के लिए व्यायाम अवश्य करें, सुबह टहलने जाएं।
5 मिनट एटलीस्ट आपको जॉगिंग तो करनी ही चाहिए। नीला रंग आज आपके लिए सकारात्मकता बढ़ाने के लिए शुभ रंग रहेगा। 4 से 5 का समय आपके लिए शुभ होगा। शुक्रिया। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो प्रिय मिथुन राशि के जातक वृषभ राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण तरोताजा महसूस करेंगे। अपने आसपास के परिवर्तन देख सकते हैं। आप क्रिएटिविटी के साथ काम कर पाएंगे। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। अब संतुलन बनाकर काम कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आज आप ये सोचने के लिए थोड़ा सा समय निकालें कि आप कैसा पार्टनर चाहते हैं। पिछले समय में आप गलत व्यक्तियों से मिलते रहे हैं जिसके कारण आपको बहुत तकलीफ हुई है, आपका दिल भी टूटा है। लंबा स्थायी रिश्ता अपना निर्देशक लक्ष्य बनाएं। करियर के मामले में आप जो भी काम करेंगे उसमें अपनी जान डाल देंगे और अपने रास्ते में आने वाली परेशानियों को लांघ जाएंगे। आप बड़े हिम्मत वाले व्यक्ति हैं और काम के बोझ में भी हार नहीं मानते। ये आपकी वो काबिलियत है जो ज्यादातर लोगों में नहीं होती। इस राह पर आगे बढ़ते रहें। आज व्यवसायिक संपत्ति लेन देन करना आपके फायदे में होगा, इसमें हिचकिचाइए नहीं। लेकिन शेयर या किसी साझेदारी में पैसा बिल्कुल मत लगाइए, चाहे कोई कितना भी बड़ा लालच दे। हेल्थ के मामले में आपसे संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, इसे जांच कराने के लिए जरूर जाएं। फिर भी अगर आपको आपकी परेशानी रहे तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। आपकी आंख से संबंधित कोई परेशानी होने के आज संकेत हैं। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी होगा। पीला रंग आपका भाग्यशाली रंग रहेगा। शुक्रिया। अब देखते हैं क्या कहता है कर्क राशि का आज का राशिफल। तो प्रिय कर्क राशि के जातक, आज वृषभ राशि में चंद्रमा स्थित है जिसकी वजह से आपका ज्ञान बढ़ सकता है। इसी के साथ संचार कौशल में भी सुधार होगा। ज्ञान के उभरते हुए क्षेत्र में आप गहरी रुचि लेंगे। आज किसी विशेष विषय में आपकी रुचि अधिक होने की संभावना है, इसके लिए आपको कुछ समय निकालने की आवश्यकता है। अगर आप सभी प्रकार के विषयों में जानकारी रखते हैं और उनके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं तो ये आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का कहना है कि गोचर के जरिए आपकी करियर को बढ़ावा मिल सकता है और आज का समय फलने फूलने के लिए बहुत ही अच्छा है। रोमांस की नजर से आज आप अकेला अनुभव कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपको लगेगा कि मुझे कभी मेरे सपनों का पार्टनर मिलेगा भी कि नहीं, या फिर आपको लगेगा कि उसके पास मेरे लिए समय नहीं है। आशाविंद रहें क्योंकि इस चिंता से आपको जल्द ही मुक्ति मिलेगी। आज आपका सौभाग्य आपके साथ होगा और आप पाएंगे कि आप अपने सभी लक्ष्यों को चाहे वो कितने भी कठिन क्यों ना हो आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अपने सपनों को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है दृढ़ इच्छा शक्ति। आप अपनी ऊर्जा शक्ति को एकत्रित कर पाएंगे, इससे आप अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। आज आप जिन चीजों को कब से प्राप्त करना चाहते थे आज आप आसमान को भी छू सकते हैं। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इसके लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की थी उसका फल मिलेगा। व्यवसायिक साथी का भी धन्यवाद कीजिए, उनकी वजह से भी आज आपको काफी फायदा होगा। हेल्थ के मामले में आप अपनी और अपने परिवार वालों की आंखों की जांच जरूर कराएं। अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो भी सबकी आंखों की जांच आज होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की शुभ काम करने के लिए आज आपके लिए 11:20 से 1:15 तक का समय शुभ रहेगा। भाग्यशाली रंग आपके लिए नीला रहेगा। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। तो प्रिय सिंह राशि के जातक, चंद्रमा आज वृषभ राशि में है। आपको अपने परिवार के मेंबर के साथ अपने रिश्तों पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि कुछ टकराव की संभावना हो सकती है। ऐसे आयोजनों में आपको और संयम बरतने की जरूरत होगी। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार आपको बड़ी तस्वीर को देखना चाहिए और स्थिति पर कुछ दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। भले ही इस मुद्दे पर आपने अपना रुख या अपना जो नेचर है वो बहस की तरफ कर लिया हो, लेकिन आपको आज स्थिति को संभालना होगा। असहमति में शामिल होने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। आपको ऐसी किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो आपको लंबे समय में प्रभावित करे। लव लाइफ के मामले में हाल में हुई कुल मुलाकातों में जिनसे आप मिले
उनमें आपकी अपेक्षा पर खरे ना उतरने की वजह से आज आप उदासी महसूस कर सकते हैं। अनुकूल पार्टनर मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है, निराश ना हो, जल्दी कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा, कोशिश जारी रखिए। इस समय सभी चीजें करियर में आपके अनुसार होंगी, सब कुछ आपके नियंत्रण में है और आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से पूरी कर पाएंगे। आप बस इसी तरह चलते रहें, सब कुछ आपके पक्ष में ही रहेगा, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग कंप्यूटर से जुड़े काम कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन लाभदायक है। हो सकता है आज आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जो किसी और कंपनी को जा रहा था, बस इस मौके को हथिया लीजिए। हेल्थ के मामले में शरीर में कुछ बदलाव आने की वजह से आप थोड़ा डर सकते हैं। आप पाएंगे कि कुछ मांसपेशियों पर असर पड़ा है, ये सब आपकी लापरवाही के कारण हुआ है। आज ही व्यायाम करना शुरू करें, अच्छा खाना खाना शुरू करें, आप जल्द ही नयापन महसूस करेंगे। शाम 4:15 से 6 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। दिन के लिए आपका कोई भी गहरा रंग लकी रहेगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो प्रिय कन्या राशि के जातक, वृषभ राशि में चंद्रमा आपको आत्मविश्वास और आशावाद देगा। आज कोई भी बड़ा काम करने से पहले आपको अपने मन की बात सुननी चाहिए, अपने नेचर पर भरोसा करना चाहिए। आपको बस इतना करना है कि उन पर ध्यान देना चाहिए जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं। याद रखें, यदि आपने इसे इतनी दूर कर लिया तो आपको निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है, इसे अपने आप पर आज विश्वास रखिए। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार ये आपको गलती करने से बचा सकता है। लव लाइफ में अगर आप अकेले हैं तो आज दोस्तों के साथ बाहर निकलकर कुछ एंजॉय कर सकते हैं, और जब आप बाहर निकलेंगे तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात भी होगी। आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। आप थोड़ा निराश भी महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपको अभी तक सही पार्टनर नहीं मिल पाया, लेकिन आशा रखें वो व्यक्ति आपके आस पास हो सकता है। करियर के मामले में आज आप अपनी जिम्मेदारियां और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी आपका ध्यान भटक जाता है। आज आप ध्यान तो केंद्रित करेंगे ही, साथ में अपनी प्राथमिकताएं भी तय कर सकेंगे। इस समय का उपयोग अपने उन अधूरे कामों को पूरा करने में करें जो काफी समय से अधूरे पड़े हैं। इस अच्छे समय का भरपूर लाभ उठाएं। अगर आप अपने लाभ को और अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं तो आज इस दिशा में भरपूर कोशिश करने के लिए दिन अच्छा है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हेल्थ के मामले में आज के दिन आपको अपने खान पान का ध्यान खास करके रखना है। रोड साइड पे बनने वाले खाने को बिल्कुल अवॉइड करिए, आपका पेट खराब हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई समस्या है तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। सुबह 9:30 से 12:30 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। आज के लिए हरा रंग आपका लकी कलर रहने वाला है। धन्यवाद। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। तो प्रिय तुला राशि के जातक, एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार चंद्रमा का वृषभ राशि में रहना आप में से कुछ लोगों को चिंतनशील बना सकता है। उन सवालों के समाधान के लिए भीतर देखें जो आपको लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। फिलहाल काम से ब्रेक लें और कोशिश करें कि इसके बारे में ज्यादा ना सोचें। अपने मन को बेचैन ना होने दें, आराम करें, शांत रहें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी आपके विचारों को इकट्ठा करने और जमीन से जुड़े रहने के लिए ध्यान और आध्यात्मिकता का उपयोग करने की सलाह देते हैं। ये आपको अपने जीवन को एक उद्देश्य तक पहुंचा सकता है, और एक उद्देश्य आपको मिलेगा भी जिसे आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। लव लाइफ में आप आज किसी ऐसे दोस्त के साथ प्यार का इजहार करने के लिए ललचाएंगे जिससे आप खुद आकर्षित रहे हैं, फिर भी दोस्ती के अलावा किसी भी तरह के व्यवहार के लिए आप तैयार नहीं होंगे। सावधान रहें, आपका दिल आहत ना हो। करियर के मामले में आप अपने आप को बधाई दीजिए क्योंकि सब काम ठीक से हो रहे हैं और आप अपने लक्ष्यों को निश्चित समय पर पूरा कर पाएंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं, इससे आपको उन्नति के कई अवसर मिलेंगे। इसका फायदा अपने में और सुधार लाने के लिए करें। आज आपके आर्थिक रूप से मजबूत होने का दिन है। आपको खुद लगेगा कि आप में पैसे कमाने की अच्छी समझ है। आप पाएंगे कि लंबे अवधि का जो निवेश आपने किया था उसका अच्छा फायदा मिल रहा है। आज अपनी योजना पर कायम रहिए। हेल्थ के मामले में
कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल ज्यादा देखने की वजह से आपको हो जाएगा बैक में पेन। इसलिए आज आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। अपनी कलाइयों को आराम दीजिए, अपनी उंगलियों को आराम दीजिए। हो सकता है कंप्यूटर पर बैठने की वजह से आपको कुछ दर्द की समस्या हो जाए। शाम 6 से 7 का समय शुभ रहेगा। आज का शुभ रंग नारंगी रहेगा। शुक्रिया। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, चंद्रमा आज वृषभ में है। आज आपको बहुत सारा सम्मान, पहचान, पैसा और विकास प्राप्त होगा, क्योंकि आज वास्तव में आपका भाग्यशाली दिन है। आप अभी अपने विचारों को व्यवहार में लाने के लिए एक बेस्ट स्थान पर हैं, जिस पर आप कई दिनों से विचार कर रहे थे। आपको इस बात से प्रसन्न होना चाहिए कि आपका जीवन इस समय कैसा चल रहा है और आप अपने संपर्कों और प्रभाव का उपयोग अपनी कंपनी और अन्य लोगों के लिए चीजों को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार आपको सफलता के इस चरण के दौरान यथासंभव शांत रहने का प्रयास करना चाहिए और अभिमान को, अहंकार को बहुत दूर रखना चाहिए। आज लव लाइफ में प्रबल संभावना है कि कुछ नए रिश्ते शुरू हो जाएं। आज कोई डेटिंग का प्रस्ताव मिल सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। अगर आपका जमीर इसके लिए बहुत ज्यादा मजबूत हो तो जरूर आगे बढ़ें, अपने मन की आवाज सुनें। करियर के मामले में आज आपको व्यावसायिक सफलता मिलेगी, जो आपको गर्व और उत्साह से भर देगी। ये उन्नति पाकर आपको ये एहसास होगा कि आपने सही समय पर सही कदम उठाए और जब बात आपके काम की आती है तो आप किसी से भी नहीं घबराते। आमतौर पर आर्थिक रूप से आज आपके लिए दिन अच्छा है, कोई आर्थिक समस्या नहीं खड़ी होगी और आपकी आय के साधन भी सुदृढ़ व स्थिर रहेंगे। लेकिन इस मौके को लापरवाही के कारण हाथ से मत जाने दीजिएगा। अच्छा रहेगा कि आप कुछ पैसे बैंक में जमा करें और उधार को आप खत्म करें, किसी से उधार ना लें। हेल्थ के मामले में आज गर्मी से आपको अपना बचाव करना होगा। जितना हो सके उतना आप फ्रेश एयर में रहें और आप ठंडी चीजें खाएं पिएं, जिससे कि आपकी बॉडी को भी ठंडक मिले। आज के दिन दोपहर 2:30 से 4:30 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए नीला रंग आज अनलकी है, नीले रंग से आज दूर रहें तो आपके लिए सही रहेगा। धन्यवाद। अगली राशि धनु राशि। तो प्रिय धनु राशि के धारक, एक सुखद और सकारात्मक दिन आपके आगे इंतजार कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा अभी भी वृषभ राशि में ही है। संभावना है कि हो सकता है आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में कुछ प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हो, परंतु इस पारगमन के कारण आपको परेशानियों का सामना करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन किसी भी गतिरोध को सुलझाने के लिए जरूरी है कि आप शांति से काम लें। शांति और धैर्य बनाए रखने से आप एक परस्पर सहमत प्रस्ताव में पहुंच जाएंगे। लव लाइफ में अगर आप अकेले हैं तो आज अपने ऐसे दोस्त के साथ ना निकलें जो पहले इजहार करता रहा है और अब आपको डेट पर बुला रहा है। ये रिश्ता उबाऊ साबित हो सकता है, आज आप ऐसे फैसलों से बचें। करियर के मामले में अगर आप चाहते हैं कि कोई काम सही ढंग से हो तो उसे आपको खुद ही करना पड़ेगा। आज आप ये बात समझ सकेंगे। इस बात की पूरी कोशिश करें कि जो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपके नियंत्रण में ही रहे। ये ना समझें कि अगर आपने किसी और को काम सौंप दिया है तो बस अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप उस काम को अच्छे से देख रेख करके फिनिश करें। अपने फैसले को और प्रभावशाली बनाने के लिए अपने लकी नंबर का इस्तेमाल कीजिए। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो आपको अपने न्यूमरोलॉजी नंबर, लकी नंबर का इस्तेमाल करना जरूरी है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आज आपको अपनी आंखों का ज्यादा ध्यान रखना होगा। संभावना है कि आज आपको आंखों की समस्या हो सकती है या हेडेक हो सकता है। आपके लिए आज जो शुभ समय रहेगा वो 9 से 10 का रहेगा। आपके लिए लकी कलर गुलाबी रहेगा। शुक्रिया। अब आती है बारी मकर राशि की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, चंद्रमा के वृषभ राशि में रहने से आज आपका मूड खुशनुमा रह सकता है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का अनुमान है कि इस समय प्रियजन के संबंध भले ही आपके साथ मधुर नहीं हो सकते, हालांकि आप इन मामलों को तुरंत सुलझाने की चाह रखते हैं, इसलिए चीजें उस तरीके से आगे बढ़ाएं जो आपको पसंद है। हो सकता है कुछ समय में
आपके रिश्ते बेहतर बन जाएं। अगर आप उन्हें पर्याप्त जगह देंगे और अपने मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो आप सभी प्रकार के मुद्दों को सुलझा पाएंगे। अगर आज ऑफिस में आप पर कोई फिदा है तो धीरज रखें। आपको इस वक्त ये रिश्ता निर्दोष लग सकता है लेकिन ये आपके करियर के लिए ठीक नहीं है। करियर की बात की जाए तो अगर आप अपने निश्चय पर अटल रहे तो जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। आपके पास कोई जादुई छड़ी तो नहीं है लेकिन अगर आप अपने काम को कड़ी मेहनत से पूरा करने की कोशिश करें तो सफल जरूर होंगे। आप अपनी क्षमता के प्रति ईमानदार रहें और नए नए क्षेत्रों में अपनी रुचि बनाए रखें। सही तरीके से बनाई गई आपकी आर्थिक योजना को आज अच्छा लाभ मिलने वाला है। अपने बजट को बढ़िया से व्यवस्थित कीजिए, इससे आपका पैसा सही ढंग से उपयोग होगा और आपको इसका सही लाभ भी मिलेगा। हेल्थ की बात जहां तक की जाए तो आपको आज अपनी हेल्थ को लेके केयरफुल रहना होगा। बढ़ते वजन को काबू में लाना होगा, नजरअंदाज ना करें। आपके लिए आज शुभ समय शाम 7 से 9 का रहेगा। पीला रंग आपके लिए सकारात्मकता लाएगा। शुक्रिया। बात करते हैं कुंभ राशि की, तो मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, चंद्रमा आज वृषभ राशि में ज्यादा प्रभावशाली है जिस कारण वो आपके अंदर उत्साह और लगन बढ़ाएगा। आज आपको महसूस होगा कि आपको अपने लक्ष्यों को पार करने के लिए किसी भी सीमा को तोड़ देना चाहिए और आप नई उपलब्धियों को पाने के लिए मेहनत करेंगे। हालांकि कोशिश करें कि आप अपने विचारों और कार्यों के अलावा जीवन के साथ भी संतुलन बना सके। अपने लक्ष्यों की तरफ जाते समय सोच समझकर कदम उठाएं। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषी द्वारा आपको यही सलाह दी जाती है कि शांति से परिस्थिति का सामना करें। लव लाइफ में अगर आप अपने पार्टनर की खोज में हैं तो आज का दिन आपके लिए थोड़ी निराशा लाएगा। आपको इस वक्त सही पार्टनर नहीं मिल पाएगा, फिर भी अंततः आप अपने अभियान में सफल होंगे। करियर के मामले में अगर आप सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों में से हैं तो आज दिन शुभ रहेगा। आपको अपने प्रोजेक्टों की देरी पर खींच हो रही थी, उसका कारण आज समझ आएगा और सभी प्रोजेक्ट आप पूरे कर पाएंगे टाइम पे। जिस व्यक्ति या संस्था के साथ आप पहले काम कर चुके हैं वहां से आपको फिर काम का न्योता आएगा, खासकर रिटायर्ड लोगों के लिए। हालांकि आप अपने मौजूदा काम से खुश हैं फिर भी इस पर विचार कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में आज के दिन आपको सड़क दुर्घटनाओं से बच के रहना है, ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है, यातायात के नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है आपके लिए। आज के दिन आपको अपनी डाइट को भी इम्प्रूव करना चाहिए। आपका शुभ समय आज दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का रहेगा। शुभ परिणामों के लिए गुलाबी रंग जरूर पहनें। शुक्रिया। बारी मीन राशि की, तो मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, वृषभ राशि में चंद्रमा के गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। आज आप काम पर उच्च ऊर्जा और सकारात्मक वाइब्स का अनुभव करेंगे। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपके काम में दिखाई भी देगा। काम जारी रखें और आपको अपने बॉस से प्रशंसा प्राप्त होगी। आप खुश रहेंगे। चंद्रमा का गोचर आपके लिए स्पष्टता लेकर आएगा। लव लाइफ में आज आप अपने किसी नए दोस्त से प्रस्ताव पा सकते हैं जो आपको उलझा सकता है। कोई भी फैसला लेना आज आपके लिए हैरत ही पैदा करेगा। निर्णय लेने में थोड़ा समय लें और अपने अंदर की आवाज को माने। यदि आप MBA कर रहे हैं तब आज के दिन कुछ प्रोजेक्टों में आपको प्रगति दिखाई दे सकती है। कुछ अध्ययन के क्षेत्र आपको प्रगति का आधार दे रहे हैं। आज का दिन अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है, इसका फायदा उठाएं। आज तो सब तरफ से खुशी का दिन है। बहुत पहले आपने जो निवेश कर रखा था उसका आज बढ़िया लाभ मिलने वाला है। कोई पुराना लेन देन जो आप भूल ही चुके थे उसका भी आपको आज लाभ मिलेगा। ये अचानक ही होगा लेकिन इस पैसे को यूं ही खर्च ना करें बल्कि इसे बचाकर बैंक में रख दें। अगर आज आपका मन भारी हो गया है तो आपको अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। जो भी खबर या बात आपको परिवार वालों के साथ बांटनी है वो जरूर बांटें, जिससे आपका दिल हल्का हो और तनाव आपको ना हो। इसीलिए आपका मन ऐसा करने से हर्ष से भर जाएगा। आज आपके परिवार वाले आपकी मदद जरूर करेंगे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार करियर के लिहाज से शाम 4 से 6 का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरे रंग में कुछ जरूर पहने। शुक्रिया।
ये राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर, आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, तो देर किस बात की है, जल्दी से लॉग इन करें astroyogi.com पर या फिर डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।